तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो, मैं आज आपके लिए पाव भाजी बनाऊं? अहो, हाँ, आज मैं आपके लिए पाव भाजी बनाऊं? आज जो बनाना है वो बनाओ माधवी, डिस्टर्ब मत करो, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। इसका फोन है अभी। हेलो सर, मैं रोशनी बोल रही हूँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका है? क्या मतलब? सर आप उस घर के ओनर हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ ओनर। सर आप चाहे तो अपना घर गिरवी रख सकते हैं। अरे मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूँ? पैसों के लिए। पैसों के लिए? किसे चाहिए पैसे? आपको। हैं? सर आप घर गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, हमारी बैंक घर गिरवी रख के लोन देता है। अरे नहीं चाहिए लोन। कमल है, डेली मार्केटिंग वाले भी बोल रहे कि घर गिरवी रख के लोन ले लो। अरे नहीं चाहिए मुझे लोन। कर लो, चिड़ता है कशाला उड़े बाजावर। हिसाब में गड़बड़ कर दी ना मेरे। आप कैलकुलेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? माधवी, इंसान को हमेशा खुद पे भरोसा करना चाहिए, और वो तभी आएगा जब वो छोटे छोटे कामों के लिए मशीन पे नहीं, खुद के मशीन पे, यानी के खुद के दिमाग का इस्तेमाल करेगा। बैटरी नहीं डाली है ना कैलकुलेटर में? अभी किसका फोन है? मैं थोड़ी लावला है फोन। हेलो। हेलो सर, मैं सोनिया, हमारे कंपनी के शोरूम में स्टॉक क्लियरेंस का सेल चल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बताइए आप कब आ रहे हैं? अरे क्या कब आ रहे हैं यार, आप जब सामने वाले को फोन करते हो तो पहले पूछो तो सही कि सामने वाला फ्री है कि नहीं, बात कर सकता है कि नहीं, सीधा शुरू हो जाते हो। सॉरी सर, क्या फ्री है? नहीं, उन्हीं साइलेंट कर देता हूँ। क्या हुआ? क्या ये कोई स्टॉक क्लियरेंस वाले का फोन था? बोल रही है कि हम लोग स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, 50% का डिस्काउंट है, कब आ रहे हो? 50% डिस्काउंट? ओ क्या, अभी पूछना चाहिए था ना, कहा कौन सा प्रोडक्ट कहा है वगैरह। माधवी माधवी, मैंने अभी साइलेंट मोड पे डाला है फोन, तुम भी अपने आप को अभी साइलेंट मोड पे डाल दो। हाँ मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके चाबी दो। पूछा बाबा को? हाँ पूछा। क्या बोले? पाव भाजी बनाने के लिए बोला। पाव भाजी? रात के डिनर के लिए। ये पाव भाजी नहीं, मैंने जो पूछने के लिए बोला था वो पूछा। अय्या सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल ही गई, सॉरी सॉरी। आई तो अभी जाके पूछो ना प्लीज। नहीं तुम पूछो ना, मैं नहीं पूछ सकती हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने गुस्से में साइलेंट मोड पे रखा है। साइलेंट मोड? तुम पूछो, तुम मुझे मना नहीं करेंगे। ठीक है मैं पूछती हूँ, तुम मेरे साथ चलो ना, थोड़ा मॉरल सपोर्ट हो जाएगा। मॉरल कसला, साइलेंट सपोर्ट होना ना होता। यही सपोर्ट सपोर्ट है, तुम चलो ना। 380 का क्या नहीं रही साहब? बाबा मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। अरे लेकिन मैं यहाँ पे हिस्सा। बोलो क्या अर्जेंट काम है? बाबा आपको ना मेरी चिंता ही नहीं है। सोनू बाड़ा बोलो ना, क्या काम है अर्जेंट? नहीं आप रहने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। अरे बाड़ा बताओ बताओ क्या क्या, क्या काम है बताओ। बाबा अपना काम कर लो। ठीक है। अरे तो सुनो बाला, मैं बड़े शांति से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या काम है अर्जेंट? बाबा वो मैं मेरा मुझे आई तुम ही बता दो ना। अरे बोलू सांग ना। माधवी नाटक का बात झाली तो बोल। लोनावला को सोनू जाना है। हे सॉरी, सोनू को लोनावला जाना है, उसको परमिशन चाहिए आपकी। लोनावला? यार मुझे तो नहीं लगता बीड़े अंकल मानने वाला है। यार गोली मुझे भी डाउटफुल लग रहा है। हम सबके पेरेंट्स मान गए,
लेकिन भिड़े अंकल कभी नहीं मानेंगे। मुझे पता है भिड़े अंकल कैसे मानेंगे। कैसे कैसे? उन्हें कायदे से समझाना पड़ेगा। ओए टप्पू, इतनी सी बात के लिए हम लोग लॉयर के पास जाएंगे? ये यार गोगी तू क्या बोल रहा है। टप्पू मुझे क्या लगता है पता है, हम भिड़े अंकल के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ। चलो जी चलो। बाबा वो मेरी फ्रेंड है ना रिया, कल बर्थडे है उसका, तो उसके बर्थडे के लिए उसकी फैमिली वालों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की है वो लुनावला वाले फार्म हाउस में। हाँ तो करने दो उनको, हमें उससे क्या। अहो रिया के घर वाले चाहते हैं कि सोनू भी दो दिन के लिए लोनावला उनके फार्म हाउस पे जाए या सब। रिया की फैमिली चाहती है ना, सोनू कहाँ चाहती है। सोनू थोड़ी ना जाएगी अपने बाबा को छोड़ के। सोनू बेटा तुम एक काम करो, उनको मना कर दो, जाने दो उनको लोनावला, हम दो दिन यहाँ पे मजे करेंगे। हाँ चलो। सोनू। हाँ? एक मिनट, तुम जाओ लोनावला। क्या? अरे हाँ तुम लोनावला जा सकती हो, मैं मजाक कर रहा था। नक्की ना बाबा। हो बाबा। थैंक यू। तुम भी जाने वाली हो? घर हो मी कशाला? क्या ऐसा हुआ? इसके लिए। थैंक यू। एक्चुअली मुझे रिया की मम्मी का फोन आया था, मेरी सारी बात हो चुकी है, वो अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना को लेने आने वाले हैं, इसलिए फटाफट पैकिंग करो और रेडी हो जाओ। थैंक यू सो मच मामा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूं। जाओ जाओ। वो आपको पहले से पता था? हां तो मैं नक्की आपके लिए पाव भाजी बनाऊंगी। अभी नक्की बनाऊंगी मतलब पहले बनाने वाली नहीं थी क्या? हां परमिशन नहीं मिलती तो नहीं बनाने वाली थी। अच्छा अगर मैं परमिशन नहीं देता तो क्या बनाती? टप्पू सेना की जिद के आगे भिड़े अंकल को झुकना ही पड़ेगा। इस बार भिड़े अंकल की तानाशाही नहीं चलेगी। सही कह रहे गोली, अब भिड़े अंकल की तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, ऐसा कैसे वो मना कर सकते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। मेरा कोई हिसाब होने नहीं दे रहा है आज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। गप्पे, अरे क्या चल क्या रहा है, ऐसे मोर्चा लेके क्यों आए मेरे घर पे। देखिए भिड़े अंकल अभी हम बहुत गुस्से में, हमें आपके साथ हिसाब किताब करना। अरे यहाँ पे मेरा हिसाब किताब हो नहीं रहा, तुम लोग कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हो। आपके तानाशाही का। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये क्या नाटक लगा रखा है? अरे नाटक तो आपने लगा रखा है भिड़े अंकल। मैंने क्या किया? आप सोनू को हमारे साथ लोनावाला आने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? मैं सोनू को परमिशन नहीं दे रहा हूँ। वही तो, क्यों नहीं दे रहे? आपको परमिशन देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, परमिशन तो देनी पड़ेगी। अरे गोड़िया आप। नहीं 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 भिड़े अंकल, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हम सबके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया है, आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो। तुम लोगों को किसने कहा कि बाबा ने परमिशन नहीं दी है? फ्रेंड्स बाबा ने परमिशन दे दी है। पिंकू भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। गोली भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। अरे वाह टप्पू, भिड़े अंकल ने परमिशन दे दी है। भिड़े अंकल आपने परमिशन दे दी है? अरे मालत का संग तो मैंने परमिशन दे दी है। एक मिनट, अगर मैं परमिशन नहीं देता ये सोच के तुम लोग यहाँ पे मुझे धमकाने आए थे? नहीं नहीं वो तो हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा मजाक, भिड़े अंकल के साथ मजाक। अरे भिड़े अंकल आप भूल गए, आपने ही कहा था ना वी आर फ्रेंड्स। हाँ और यारों दोस्तों के बीच में मजाक मस्ती चलती रहती है। अच्छा थोड़ी मजाक मस्ती मैं भी करता हूँ। पार्टी। हाँ मैं बस दी रहा था। टपुड़ा अपना ख्याल रखना और पूरी टप्पू सेना का ख्याल रखना। ओके दादाजी। अरे टप्पू, अरे सिंगू,
एक मिनट रिया की मम्मी का फोन है। हेलो भिड़े भाई, सोनू कब तक निकल रही है? हाँ रिया की मम्मी, सोनू अब निकल ही रही है। अच्छा अगले दो दिन तक सोनू की जिम्मेदारी आपकी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ए भिंडी मास्टर, सिर्फ सोनू की नहीं पूरे टप्पू सेना की। सही बात है। हाँ मतलब वही वही पूरी टप्पू सेना की जिम्मेदारी आपकी है। भिड़े भाई आप बिल्कुल बेफिक्र मत कीजिए। हाँ नहीं भिड़े भाई, आप सभी बच्चों को सोसाइटी के बाहर मेन रोड पे भेज दीजिए ना, हम बस 2 मिनट में बस लेके पहुंच ही रहे। ओके ओके, 2 मिनट में बस बाहर पहुंच रही है। अरे वाह गुड। बेबी अपना ख्याल रखना और हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना। हाँ कफस मम्मा सब रखा है। कोमल बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, खाना तो मिनट बाय मिनट चलेगा। क्यों गोली? यस बाबा। हाँ गोलिया, सिर्फ अपना ही खाना खाना, बाकी किसी का नहीं। एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब मिल बैठ के खाना। हाँ। अच्छा टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और किसी को तंग मत करना टप्पू सेना। हाँ अंकल जस्ट चिल। अरे बस करे भाई भिंडी मास्टर, ये करना ने वो मत करना ने। अरे बच्चे घूमने जा रहे हैं, एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हैं। सही बात है। जाओ जाओ बच्चों जाओ, हैं जी लो अपनी जिंदगी। इकरा अपना ख्याल रखना, मैं हर थोड़ी देर में तुझे वीडियो कॉल करते रहूंगी। हाँ नहीं मम्मी, आप भी एंजॉय करना और मुझे भी एंजॉय करने देना। हाँ इन शॉर्ट बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना। आप भी याद रखना। चलिए दादाजी हम निकलते हैं। सोनू नीट रहा कल जगह। ओ आई टेंशन नको घे। बर्थडे कौन था, खुश कौन हो रहा है? बाय 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 बेबी। चला दो दिन के लिए गई है वो। हाँ पता है माधवी, लेकिन सोनू ऐसे जब भी कभी 2 दिन के लिए बाहर जाती है ना तो मेरा मन नहीं लगता। सच कहा बिल्ली मास्टर, मुझे भी टप्पू के बगैर मजा नहीं आता है, घर एकदम सूना सूना लगता है। हाँ बच्चों के बिना तो घर काटने दौड़ता है, इसलिए तो मैं भी 2-3 दिन के लिए उडवारा जा रही हूँ। अरे अरे वाह उडवारा, हम पारसी लोगों का अटश बेरा में ऑर्डर, मतलब मतलब फायर टेम्पल, पारसी में उसको अटश बेराम बोलते हैं। अच्छा अटश बेराम। मेरी कजिन है ना दिलनास, मैं उसके घर जा रही हूँ अपने ब्रदर बिस्पी के साथ। तो भाई लेने आने वाला है आपको? नहीं नहीं, रोशन मुझे छोड़ने जाएगा मेरे भाई के घर, फिर मैं उसके साथ उडवारा निकल जाऊंगी। अच्छा रोशन बेटा, हम सब की तरफ से वहाँ पे प्रार्थना करना। ये भी कोई बोलने की बात है? चलो अभी चलते हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है। चला लोग, चला चाचा जी। बोलिए बाबूजी। हाँ जीठिया, वो टप्पू है ना? हाँ है ना। छे पहले शांति से सुन। हाँ सुन रहा हूँ बाबूजी, बोलिए। छठ मुझे बोलना ही नहीं है। अरे क्या है? अरे बाबूजी आप तो नाराज हो गए, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि जीवन में ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। हाँ तो भाई हंसी मजाक करने का कोई टाइम होता है ना? ये कोई टाइम है हंसी मजाक करने का? सॉरी, बोलिए बोलिए क्या किया टप्पू ने? जो अरे भाई पहले शांति से सुन, टप्पू ने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि टप्पू लोना वाला गया है। क्या क्यों बापूजी, अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है? आप उसे कुछ कहते नहीं है ना, उसी का ऐसा परिणाम है बापूजी। मैं अभी उसका फोन करके उसकी खबर लेता हूँ। अरे एक मिनट रुक भाई, तुझे किसने बोला कि टप्पू बिना बताया गया है? अभी
मुझे बिना पूछे गया तो बिना बताए हुआ ना बाबूजी। ये तुझे पूछ के नहीं गया है लेकिन मुझे पूछ कर गया है। आपको पूछा और आपने जाने दिया। हाँ क्यों? अरे क्यों क्या जे क्या? अरे भाई टप्पू अकेला नहीं गया है, पूरी टप्पू सेना उसके साथ गई है। उनके किसी दोस्त का बर्थडे है इसलिए वहाँ सब गए हैं। और आते वक्त टप्पू चिकी भी लेके आने वाला है। अच्छा तो कितने दिन के लिए गया है? 2 nights 3 days। अरे 2 दिन के लिए गया है भाई। अच्छा ओ तो अभी आप तो घर पे अकेले हो गए बाबूजी। मैं काम करता हूँ बापू जी, ये 2-3 दिन में ना रोज दुकान से थोड़ा जल्दी घर पे आ जाऊंगा। क्यों? साथ में मिलके थोड़ा समय बिताएंगे। क्या काम धंधा छोड़ के जल्दी आने की जरूरत नहीं है, तू रोज के टाइम पे आ जा। अरे बापू जी आने दीजिए ना, साथ में बैठ के थोड़ा कुछ जलसा करेंगे। ठीक है चल रखता हूँ। थैंक यू। वाह कुल्फी खाने का मजा आ गया। नहीं ना एक और खाए बापू जी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई वो 2 तो खा ली, और एक खाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। खाइए ना। बस बस चले बापू जी मैं आता हूँ। अभी कहाँ जा रहा है? सोडा पीने। कुल्फी में सोडा? सोडा तो एक बहाना है बाबू भैया, मैं तो सब लोग मिलते हैं बातें करते हैं असली मजा उसका ही है। ठीक जा जल्दी आ जा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जाने नहीं ठीक है ना, आज हम दोनों बैठ के गप्पे मारते हैं। नहीं नहीं तू जा जा क्या। अरे ठीक है ना बापूजी, एक दिन नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं बोल रहा हूँ तो जाने हो। ठीक है चलो मैं फटाफट जाके आता हूँ। आपको नींद आए तो आप सो जाना बापूजी, मैं चाबी लेके जाता हूँ। ठीक है। भी टप्पू सेना के बिना सोसाइटी में मजा नहीं आता है। खरे खरे पोपटलाल, टप्पू सेना के बगैर हमारी सोसाइटी एकदम सुनी सुनी लग रही है। ये तू कह रहा है भीड़ है? जब बात बात पे टप्पू सेना को टोकता है वो कह रहा है कि टप्पू सेना के बगैर बहुत सुना सुना लग रहा है। अच्छा 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 समझा। टप्पू सेना नहीं है ना तो उनको टोकने का मिस कर रहा है इसलिए सुना सुना लग रहा है ना। ओ जेठालाल ऐसा कहीं नहीं है, इंसान जिसको ज्यादा प्यार करता है ना उसी को टोकता है। अच्छा तो इस हिसाब से तो भिड़े साहब आप सबसे ज्यादा प्यार जेठालाल से करते हैं। क्योंकि तो सबसे ज्यादा तुम जेठालाल को ही टोकते रहते हो ना भाई। लेकिन मैं टप्पू सेना के लिए बहुत खुश हूँ, अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए गए। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता। सही बात है, आज के बच्चे बहुत ही लकी है। देखो ना हमारी टप्पू सेना बर्थडे पार्टी मनाने लोनावाला गई है। हाँ बोलो, वो भी 2 दिन के लिए गए भाई, हमारे टाइम में ये सब कहाँ होता था। एकदम करेक्ट कहा मैदा था बाप ने, हमारे टाइम पर बर्थडे में पार्टी और सेलिब्रेशन नहीं होता था। क्यों आपके घर वाले आपका जन्म से खुश नहीं थे? ओ जटलाल क्या कुछ भी बोलता है, वो खुश थे बहुत खुश थे। तो फिर आपका बर्थडे क्यों नहीं मनाते थे? क्योंकि उस टाइम पर बर्थडे सेलिब्रेशन का फैशन नहीं था। अच्छा सही बात है। अरे हमारे जमाने में कैसा बर्थडे मनता था, जब भी बर्थडे होता था तो हम भगवान के दर्शन करते थे, बड़ों के आशीर्वाद लेते थे, गाय को खाना खिलाते थे, और रात को मस्त पे की आई के हाथ की गर्मा गर्म पुरन पोड़ी खाते थे। हो गया बर्थडे खत्म। और आजकल के बच्चे भाई, आजकल के तो बच्चे बर्थडे को त्योहार की तरह मनाते हैं। आहा जबरदस्त पार्टी वार्टी करेंगे। अरे पार्टी से याद आया, ये सोढ़ी कहाँ है भिड़े? अरे माला का मैं जेठालाल, मैं उसका पिए थोड़ी हूँ। नहीं पिए तो तू है भाई भिड़े। हाँ पिए पड़ोसी आत्माराम। दोस्तों सोडा शॉप पे दोस्तों के साथ बात करके मजा आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, मन प्रफुल्लित और खुश हो जाता है। और जीवन में यही चाहिए,
जीवन में सुखी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ वक्त बिताएं। मित्रों, ये जो लैपटॉप और मोबाइल का है जो इमोशनलेस कनेक्शन है ना, इनसे मत जुड़िए। परिवार और दोस्तों के साथ जुड़िए, दिल से दिल का रिश्ता बनाइए। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा अमीर वही है जो सबसे ज्यादा खुश है। और खुश रहने के लिए जरूरी है कि स्ट्रेस दूर रहे। स्ट्रेस दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हंसते रहे। और हंसने के लिए बेहद जरूरी है कि आप इस तरह से परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करें। और हम जैसे खुशियां बांटते हैं अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं, आप भी बिताइए और इसी तरह से खुशियां बांटते रहिए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।